विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में मंदिर में कार्यरत सुनील कुमार के बंद कमरे में मृत्यु हो गई। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करके लाश को परिजनों के हवाले कर दिया है। अब सुनील कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मलेरकोटला पंजाब में होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील कुमार पिछले 4 दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहा था, जिस कारण मंदिर न्यास के कर्मचारियों ने जब कमरा चेक किया तो सुनील कुमार अंदर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। हालांकि उक्त कर्मचारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मंदिर प्रशासन को दी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसको बिलासपुर भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा होगा कि मृत्यु के क्या कारण रहे हैं। कुमार जी साढ़े मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी थे, अच्छे वर्कर थे, अच्छा काम करते थे, ड्यूटी के पाबंद भी थे, लेकिन 3-4 दिनों से बीमार चल रहे थे, अपने कमरे में ही रह रहे थे। 3-4 दिनों से ड्यूटी पर ना आने के कारण जब हमने कमरे में जाकर चेक किया तो वहाँ मृत घोषित पाया गया। अब पोस्टमार्टम के लिए जो डेड बॉडी है बिलासपुर भेज दी गई है। अब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या किस कारण के से इसकी मौत हुई है। उसके परिवार वाले बच्चे जो लड़के हैं वो भी आ चुके हैं, उनको जो डेड बॉडी संभाल दी गई है, और जो भी उसकी आर्थिक सहायता है हम करने के लिए तैयार हैं। और ये हमारे बहुत अच्छे कर्मचारी थे, ट्रस्ट में काम कर रहे थे। पहले इनके फादर काम करते थे, उनके स्थान पर इनको रखा गया था, और अच्छे कर्मचारी थे, ड्यूटी के पाबंद थे।